ईद की छुट्टियों से मुत्तसिल इतवार ने ईद की बहारों को 5 दिन तक फैला दिया। साथ साथ कराची वालों के लिए मौसम ने भी खूब एहतमाम कर रखा है। जी हाँ, पांचवे रोज मौसम अबर आलूद रहा, कभी रिमझिम भी हुई। ऐसे में आज भी बड़ी तादाद में शहरी सी व्यू पर मौजूद है जो खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा ज्योति महेश्वरी वहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी ज्योति, बताइएगा क्या मनासिब देख रहे हैं आप साहिल समंदर पर? कोशिश करेंगे ज्योति महेश्वरी से राबता बहाल करने की। बहुत बड़ी तादाद में साहिल समंदर पर आज लोग मौजूद हैं। आज कुछ गर्मी भी थी लेकिन लोगों ने एतवार को ज़ाया नहीं होने दिया और ईद की छुट्टियों से महविश ये मुत्तसिल था आज एतवार का रोज़ और कल से फिर वही रूटीन होगी। तो आज मौके को गनीमत जानते हुए लोगों ने साहिल समंदर का रुख किया। जी हाँ बिल्कुल, ये एक लॉन्ग वीकेंड हो गया ईद की छुट्टियों के साथ, सैटरडे संडे मिल गया और लोगों को तफरी करने का खूब मौका मिल गया। कल से गो के काम पे वापस आएंगे सब लोग और हम तो अभी से काम पे हैं और ईद से भी काम पर ही हैं। लेकिन यह है कि इतवार ने ईद की खुशियों का मज़ा दोबाला कर दिया दानिश, और कराची में मौसम चूंकि अच्छा हो गया है और कराची के लोग बारिश और ये बादल ठंडी हवाओं के लिए बहुत मुंतजर रहते हैं, तो मौसम ने ईद और इतवार का मज़ा दोबाला कर दिया कराची के लिए। और फिर साहिल समंदर जहाँ पर मैसर हो वहाँ पर तो फिर इंजॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। और पांचवें रोज़ भी कराची में मौसम अबर आलूद है, रिमझिम भी होती रही है और बड़ी तादाद में शहरी सी व्यू पर हैं।